ग्राम पंचायत अवसानी में सदस्य पद का चुनाव 13 में 1 का होना निश्चित है, क्योंकि 12 प्रत्याशी निर्विरोध जीतने में सफल रहे। उनके विरोध में कहीं भी कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया, लेकिन एक सदस्य के लिए नामांकन पत्र दूसरे व्यक्ति ने भी दाखिल कर दिया है। ऐसे में एक वार्ड के लिए चुनाव होना निश्चित पाया गया है। ये सेकंड रनर रहे हैं राम प्रताप वर्मा जी, ये बता रहे हैं कि एक सदस्य को हम चुनाव लड़ा रहे थे, उसी में वर्तमान प्रधान जीते हुए उन्होंने भी एक सदस्य को खड़ा कर एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया। ऐसे में वहाँ चुनाव होना निश्चित पाया गया है। हाँ, तो राम प्रताप जी बताएं थोड़ा कैसे क्या हुआ है जी, कैसे क्या हुआ है? आपने आप अपना कोई प्रत्याशी लड़ा रहे थे? हाँ, प्रत्याशी मैं लड़ा रहा हूँ। ये क्या नाम है, अच्छी अवसानी बुजुर्ग श्री रेहवा के हैं, राजेश वर्मा। अच्छा अच्छा, तो आपके विरोध में उन्होंने भी मतलब प्रत्याशी उतार दिया जी है? जी, हमारे विरोध में उतारे हैं। अच्छा, तो ऐसे में मतलब निश्चित है कि वहाँ चुनाव होगा? अच्छा, वार्ड नंबर तीन में जी। अवसानी में कुल कितने सदस्य हैं? 13। 13 हैं जी। 13 में 12 कोई नामांकन पत्र नहीं दाखिल किया था? नामांकन नहीं हुआ था 12 के खिलाफ। अच्छा अच्छा, 12 के खिलाफ नामांकन नहीं हुआ, और एक जिसको आप लड़ाना चाह रहे थे उसके खिलाफ में प्रत्याशी उतार दिया गया? जी जी जी। ऐसे में चुनाव होना निश्चित पाया गया? जी जी। अच्छा, तो ये राम प्रताप वर्मा जी हैं, ये सेकंड रनर रहे यहाँ से अवसानी बुजुर्ग से, और ये बता रहे हैं कि हम एक प्रत्याशी को चुनाव लड़ा रहे थे, उसके विरोध में वर्तमान प्रधान ने भी एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया है। ऐसे में चुनाव होना निश्चित पाया गया है।